सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के संदर्भ में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए आस्था गोल्ड कैप्सूल। आस्था गोल्ड कैप्सूल का क्या यूज है, कब इसको लेना चाहिए, कितने दिन तक लेना चाहिए, ये लेने से आपको क्या बेनिफिट होता है और ये लेने से आपको क्या क्या साइड इफेक्ट भी हो सकता है, तो ये आस्था गोल्ड कैप्सूल के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट किया, फिर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। शुरू करते हैं आस्था गोल्ड कैप्सूल, जो कि हमारे पास 10 गोली का कैप्सूल है, जिसके एमआरपी की बात करें तो इसके एमआरपी 224 यानी कि 224 के इसकी एमआरपी है। आस्था गोल्ड कैप्सूल को सनवेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक दामसिंस कंपनी और बहुत सारे एलोपैथिक्स मेडिसिन भी बनाती है। आस्था गोल्ड कैप्सूल के अंदर इंग्रेडिएंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है एस्ट्राजेंथिंस, लूटिंस और जैंथिंस डाला गया है। तो ये इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। आस्था गोल्ड कैप्सूल का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका यूज़ एंटीऑक्सीडेंट्स में किया जाता है, यानी कि इसको इसको खाने से आपको बेनिफिट मिल सकता है कि आपके जो इम्यून सिस्टम वीक हुआ तो एकदम बूस्ट हो जाएगा, यानी कि इस कैप्सूल का इस्तेमाल इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए किया जाता है, या फिर आपकी आँखों की रोशनी कुछ कम है तो ये कैप्सूल को इस्तेमाल करने से आपके आंखों की रोशनी बढ़ सकती है। आस्था गोल्ड कैप्सूल को खाने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपका इम्यून सिस्टम एकदम स्ट्रेंथ हो जाएगा। आस्था गोल्ड कैप्सूल को खाने का तरीका बताओ तो इसको कैप्सूल को आप खाना खाने के बाद खा सकते हैं और सुबह शाम खा सकते हैं। इसको कम से कम 3 महीना यूज़ करेंगे तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। आस्था गोल्ड कैप्सूल अगर आप कंटिन्यू इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉक्टर की सलाह से यूज नहीं कर रहे हैं, तो कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। साइड इफेक्ट में आपको होगा, आपको भूख में कमी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, नींद आने में कमी हो सकती है, यानी कि अनिद्रा हो सकती है, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ये कैप्सूल का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में करें, अपने मन से इस कैप्सूल का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। आस्था गोल्ड कैप्सूल आपको कोई भी मेडिकल या फार्मेसी या केमिस्ट में मिल जाएगा। आस्था गोल्ड कैप्सूल को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियंस या अपने फैमिली डॉक्टर या अपने ऑप्थाल्मिक डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें या फिर उनसे एडवाइस लें, बाद में इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें। अपने मन से इस कैप्सूल का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो आस्था गोल्ड कैप्सूल के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज डिस्कशन में ईमेल आईडी दिया है वहाँ पर बताएं। गोल्ड कैप्सूल का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस।